नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। हरदा सोमवार को टिड्डी दल से प्रभावित विधानसभा क्षेत्र के गांवों का कृषि मंत्री कमल पटेल ने दौरा किया। टिड्डी दल से प्रभावित खेतों में जाकर किसानों से चर्चा कर फसल के नुकसान का जायजा लिया। कृषि मंत्री विधायक श्री पटेल ने टिड्डी दल के प्रकोप से प्रभावित किसानों से कहा, टिड्डी प्रभावित ग्रामों में हानि का आकलन जल्द ही सरकारी दल करेगा, जिसमें तहसील स्तर पर तहसीलदार और वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा ग्राम स्तर पर पटवारी, ग्राम सचिव और ग्राम सेवक का दल टिड्डी प्रभावित खेतों का आकलन करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि हानि के आकलन के बाद रेवेन्यू बुक सर्कुलर के प्रावधान के तहत टिड्डी दल के प्रकोप से पीड़ित किसानों को गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। भारत सरकार ने पहले ही हाई अलर्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की, उन्होंने भी हाई अलर्ट किया। मैंने भी मेरे विभाग प्रमुख सचिव और संचालक की बैठक लेकर निर्देश दिए कि सभी हमारे अधिकारियों को जिला स्तर पर, जिला प्रशासन को हमने सचेत किया, किसानों को भी जागृत किया। ढूंढी भी पिटवाई कि थाली और बैंड बजाएं, चिल्ला चोट करें और स्प्रे करके इनको मारा जाए। ये हमारे DDA हैं। क्यों, कितने स्प्रे किए अभी तक? 552 लीटर का स्प्रे कर चुके हैं और हमने नहीं के बराबर वो नुकसान होने दिया है। और टिड्डी दल आया जरूर है, लेकिन टिड्डी दल से किसानों की फसलों को नहीं के बराबर नुकसान हुआ। कहीं बैठी है नुकसान है तो हमने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और पटवारी, RI और कृषि विभाग सब संयुक्त सर्वे करेगा और मीडिया वीडियोग्राफी से सर्वे करो। और अगर किसान को नुकसान हुआ है तो उसको RBC 6-4 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की कि यह सरकार किसानों की सरकार है। और शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री रहते और कमल पटेल के कृषि मंत्री रहते, अब किसान को कोई लूट नहीं सकेगा, कहीं अन्याय नहीं होगा। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।